चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस और EEZ, जो कि भारत और अमेरिका से संबंधित है। इस विषय के अंतर्गत हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये विषय हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ है, इससे संबंधित मामला क्या है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस क्या होता है और EEZ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिकी नेवी बिना परमिशन के लक्षद्वीप के पास भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ गई थी अभ्यास करने के लिए, और अमेरिका का दावा है कि इस एक्सरसाइज के लिए भारत की परमिशन लेने की उसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करती रही है और इसी के तहत ये ऑपरेशन उन्होंने किया है, ये अभ्यास उन्होंने किया है। हालांकि एक तरफ इसमें अमेरिका कह रहा है कि उन्हें इसमें कोई आपत्ति वाली बात नज़र नहीं आती, वहीं दूसरी तरफ भारत को इससे थोड़ी आपत्ति भी हुई है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो इस विषय को हम विस्तार से देख लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। US नेवी का 7वां बेड़ा है, उसने बयान जारी किया है कि 7 अप्रैल को युद्धपोत USS जोन पोल जोन्स ने भारत से बिना परमिशन के लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील की सीमा के अंदर यानी कि दूरी में भारतीय इलाके में एक्सरसाइज की है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं तोड़ता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार है, ये अमेरिका की तरफ से दिया गया बयान है। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना ने यह भी कहा है कि भारत के इकोनॉमिक जोन में सैन्य अभ्यास या इसमें आने जाने से पहले सूचना देने की बात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मेल नहीं खाती है और उसने भारत के दावे को चैलेंज किया है। UN के समुद्री कानून के अनुसार, यूनाइटेड नेशन का जो ये समुद्री कानून है उसके अनुसार समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील्स यानी 370 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है किसी भी देश का। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका इस सीमा में प्रवेश कर गया था, और तो ये विवाद की बात है या फिर ये चिंता का भी विषय है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अगर बात करो तो उनके हिसाब से ये चिंता का विषय नहीं है। ऐसे में भारत के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में प्रवेश से पहले US के जहाज को अनुमति लेनी चाहिए थी UN के कानून के आधार पर अगर हम बात करें तो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अमेरिका का जहाज 130 नॉटिकल मील अंदर तक आ गया, जो कि 240 किलोमीटर तक की दूरी होती है, और ये दावा किया भी अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के द्वारा किया गया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने जहाज के गुजरने तक उसकी सतत निगरानी भी की थी, और डिप्लोमेटिक चैनल से भारत ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसपैठ करने से संबंधित अपनी जो है आपत्ति भी दर्ज करा दी थी, चिंताएं भी दर्ज करा दी थी। तो यहाँ ये बात, ये विवाद का विषय ये हो जाता है कि जहाँ UN के कानून के आधार पर ये चीज़ आपत्तिजनक है, भारत को भी इससे आपत्ति हुई है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो तो ऐसा करता ही रहता है, इस वजह से ये मामला थोड़ा सा संजीदा हो जाता है। तो यहाँ पर फिर सवाल ये उठता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस है क्या, जो कि अमेरिका करता रहता है ऐसा उसका कहना है। भारत के ऑपरेशंस के संबंध में अमेरिकी नौसेना का कहना है कि उसका ये ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन था, और वह इस तरह के ऑपरेशन से उन देशों को हमेशा चुनौतियां देता रहता है जो अपने आप को कुछ ज़्यादा आंकते हैं या ज़्यादा अपने आप को बेहतर समझते हैं, और जो ये ऑपरेशन वो करता है उसे जो है किसी भी तरह का इसका कोई राजनीतिक एंगल नहीं है, इसका कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या एंगल से लेना देना नहीं है, ये अमेरिका का कहना है, और ये किसी भी देश के खिलाफ नहीं होता है, ये उसके रेगुलर एक्सरसाइज में होता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। अगर इसके ऑपरेशन के बारे में हम बात करें तो इस तरह के ऑपरेशंस अमेरिका 1979 से करता आ रहा है, और अमेरिकी सेनाएं हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये ऑपरेशंस करती हैं, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर और पैसिफिक ओशन का ये जो पूरा इलाका है वहाँ पर ये ऑपरेशंस करती है, जो कि अमेरिका से खासा दूरी रखता है, उसके बावजूद भी ये करती है।
सभी ऑपरेशंस अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर डिज़ाइन होते हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है। और यह अभ्यास दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही अमेरिका उड़ान भरेगा, तैरेगा और सारे ऑपरेशन को ऑपरेट करेगा, ये अमेरिका का कहना है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये ऑपरेशन हर साल बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो विदेश मंत्रालय जो अमेरिका का है वो भी, और वहाँ की जो नेवी है उनका भी ये दावा है कि उन्होंने जो भी किया कुछ भी गलत नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने कितने ऑपरेशंस करे हैं। 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक अमेरिका ने 19 देशों को इस ऑपरेशन के तहत चुनौतियाँ दी हैं, और इनमें से कुछ देशों को कई बार इन्होंने चुनौतियाँ दी हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बार। इन देशों में चीन, पाकिस्तान और जापान जैसे देश शामिल हैं। सातवें बेड़े की अगर बात हम करें तो अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा है ये, और इसमें किसी भी समय पर 60 से 70 जहाज मौजूद रहते हैं, 200 से 300 एयरक्राफ्ट होते हैं, 40,000 नेवी और मरीन क्रॉप्स सैनिक इसमें तैनात रहते हैं। ये लोग यहाँ पर होते हैं, इतना बड़ा ये बेड़ा है जिसने ये अभी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है क्या। यूनाइटेड नेशन ने 1995 में समुद्री सीमा संबंधी कानून बनाया था, यही इसी कानून के तहत जो है इस जोन को डिज़ाइन किया गया है। इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं, और इसके अनुसार किसी भी देश के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर की सीमा को उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। अमेरिका ने अब तक इस कानून पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो है कानून अमेरिका के लिए बाध्यकारी भी नहीं हो जाता है। समुद्र से 12 नॉटिकल मील यानी कि करीब 22 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है वो किसी देश की सीमा मानी जाती है। मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अमेरिका ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं तोड़ा है। अगर किसी देश के पर्सनल सीमा की बात की जाए तो उसके हिसाब से नहीं, लेकिन यूएन के कानून के आधार पर अगर हम देखें तो एक तोड़ा गया है कानून। यूएस नेवी की 2016 की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि अमेरिका भारतीय समुद्री सीमा में 1985 से ही इस तरह के ऑपरेशंस करता रहा है, और इस बार जो ये ऑपरेशन किया गया है सातवें बेड़े के द्वारा, तो इस तरीके से उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा पास्ट में भी हो चुका है, अमेरिका का ये कहना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस तरीके की चीज़ों से जिसको कुछ लोग विवाद के रूप में देख रहे हैं, भारत ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, उधर से अमेरिका ने भी इस पर सफाई दी है, ऐसे में इस चीज़ का भारत और अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों देशों के रिश्ते कैसे हैं। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। हाल ही में जॉन कैरी भी भारत आए थे। दोनों देशों की जो नेवी टीम्स हैं वो क्वाड प्लस फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले चुकी हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ भागीदारी के लिए अमेरिका ने भारत से मदद भी मांगी है। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका और भारत मिलकर कर रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की चीज़ करके, यानी कि जिससे भारत को आपत्ति हो सकती है, उस तरह का कार्य करके अमेरिका क्या संदेश देना चाहता है, ये भी चीज़ दिमाग में आती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दोनों देशों के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। तो आज के इस विषय पर हमने मोटा मोटी सारी बातें कर ली है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन के समुद्री कानून के अनुसार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ए, समुद्र तट से 80 नॉटिकल मील 140 किलोमीटर तक। बी, समुद्र तट से 100 नॉटिकल मील 180 किलोमीटर तक। सी, समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील 370 किलोमीटर तक। डी, समुद्र तट से 300 नॉटिकल मील यानी कि 520 किलोमीटर तक। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देखेंगे, जो प्रश्न पूछा गया था वो रायसीना संवाद से संबंधित था, और पूछा गया था कि इनमें से सत्यकथन कौन सा है।
सत्य कथन है, दोनों कथन ही सत्य हैं। ये जो है संवाद इस बार जो हो रहा है वो 6th संस्करण है और इसकी जो थीम है वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउट लेयर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल ही है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको सारे PDF उपलब्ध होंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।